आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में। मूवी एंड सोप ओपरा के एक्सपर्ट हैं और इंडिया में जब भी ये सास बहू की कहानी चली है तो बालाजी टेलीफिल्म्स ही जोरदार पेशकश रही है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक और एंटरटेनमेंट सेक्टर में आपको निवेश होना चाहिए जरूर। ये एक अच्छी पेशकश है हमारे तरफ से। सब्सक्राइबर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है बालाजी टेलीफिल्म के लिए आगे ग्रोथ रिवेन्यू करने का। 75% सब्सक्राइबर इनके फीमेल कैंडिडेट। समझिए, इंडिया में जब लोग अपने दिन में ऑफिस जाते हैं तो घर की गृहणियां इसको ज्यादा सब्सक्राइब करके देखेंगी तो रिवेन्यू यहां से बढ़ेगा इनका। मार्केट कैप की तरफ से एक स्मॉल कैप है, 2% ज्यादा निवेश मत कीजिएगा। 738 करोड़ की कंपनी है। अगर डेली वॉल्यूम देखा जाए तो 8 लाख के आसपास शेयर इन एक्सचेंज होते हैं, जिसमें से 31% की डिलीवरी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक स्मॉल कैप है, 2% ज्यादा नहीं करेंगे। व्यूअरशिप और जो नया ओओटी प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रही है उससे बहुत अच्छा इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी के लिए 2021 थोड़ा सा एक डिप दिखाया है, जो कि 300 करोड़ के आसपास है पिछले 5 सालों में सबसे कम। बट आगे चलकर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2022 में जैसे जैसे रिवेन्यू बेस बढ़ेगा इनका, जैसे जैसे कस्टमर के पास पैसा आएगा, ये भी 600 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू होना चाहिए अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये काफी अच्छी उम्मीद है, आगे चलकर बहुत अच्छा बनेगा। इंटरेस्टिंगली FII ने इसमें करीब 18% की होल्डिंग रखी हुई है। तो आप ये समझिए इस बात को कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया ग्रोथ रहेगी इसकी। प्रमोटर होल्डिंग 34%, यहां पर पब्लिक की होल्डिंग 47%। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। अब अगर बालाजी टेलीफिल्म की बात की जाए तो कंटेंट क्रिएटर हैं, एक यूनिक कंसेप्ट लगाते हैं और जो सोशली चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बनाते हैं। हमारे हिसाब से ये बाय रिकमेंडेशन है क्योंकि ये थोड़ा हटके काम करते हैं, अपना बेस्ट पेनी स्टॉक है इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर। वेरियस बोल्ड टॉपिक्स पे इन्होंने मूवी बनाई है जो कि यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, जैसे रागिनी MMS और उसके बाद में रागिनी MMS 2। तो ये काफी पॉपुलर हुई है इनकी सीरीज। साथ में होम सीरीज में कुंडली भाग्य, ये एक बहुत बढ़िया पॉपुलर सोप ओपरा है इनका। साथ ही साथ में नागिन सीरीज जो चली है उसमें काफी पॉपुलरिटी आई है इनको। तो उस हिसाब से काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हमारा व्यू वैल्यू बाय है ये, और आपको 3 लेवल पर बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे। ओवरऑल बहुत बुलिश व्यू है हमारा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आपको कम से कम इसको 3 साल का होरिजन लगा के रखिए। कोई एक भी मूवी इनकी अच्छी हिट हो गई तो वो आगे पीछे सारी मूवी का कंटेंट सबको बराबर कर देगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब ये कंटेंट क्रिएटर इस तरह से काम करते हैं तो उसमें कोई भी एक कंटेंट क्लिक हो सकता है और वो आगे पीछे सारे कंटेंट का कॉस्ट निकाल देता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। आइए चलकर टेक्निकल व्यू देखते हैं कंपनी का। तो देखिए, कंपनी की बात करें तो इनके पास में वेरियस नए कंटेंट आ रहे हैं। चेयरमैन जितेंद्र कपूर जी हैं, दिल ही तो है इनका एक बहुत अच्छा पॉपुलर सीरीज है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, तमिल लैंग्वेज में इन्होंने अपने बनाए हुए हैं साइबर स्क्वाड, और बंगाल लैंग्वेज में कुंडली भाग्य आपको जैसे बताया, वीरा दी वेडिंग इनकी बहुत पॉपुलर मूवी थी। साथ ही साथ में देखिए उड़ता पंजाब काफी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बनाई थी, क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MS, द टेस्ट केस। तो अलग अलग मूवी के रेफरेंस में बॉयगिरी अलग अलग मूवी बनाते हैं, अलग अलग कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसका भाव देखेंगे तो 74 रुपीज के आसपास इसका भाव चल रहा है, और यहाँ पर 35% की डिलीवरी हुई है करीब करीब। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है यहाँ पर 39 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, काफी वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड हुई है। ये सबसे बड़ी बार बनी है यहाँ पर बालाजी टेलीफिल्म की, 339 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा अभी बहुत जल्दी। 70, देखिए इसका जो हाई बना है करीब करीब 100 रुपए के आसपास है। तो इसको लग रहा है कि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में ये जो फेज निकल के गया है स्टॉक का, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हुआ था। 100 रुपए से गिरकर ये 50 रुपए तक आ गया था, और यहां से फिर आप ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो ये नई लेग शुरू हो रही है, एलॉयड वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये लेग सी बनने की शुरुआत करेगी हमारे हिसाब से। सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है, 61 का स्टॉप लॉस, RSI 62 जो कि यहां पर इसको बाय जोन में बताता है। बुलिंजर बैंड बैंडविड्थ बहुत कम है और ये बैंड के अपर हिस्से में आ गया, जो कि एक अच्छा बुलिश साइन माना जाता है स्टॉक के रेफरेंस में। वॉल्यूम ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है, आप चाहें तो हमारे साथ पेड सर्विस यूज कर सकते हैं। 4 हफ्ते में 1.36 लाख, 5वें हफ्ते में 4,000 का नुकसान भी हुआ है, उसकी अपडेट करके हम आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। 4 वीडियो प्रस्तुत है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।